साथियों नमस्कार, मैं हूं कालू माली, आप जुड़े हो मेरे चैनल से। साथियों अभी आपको मैं ये तस्वीरें दिखा रहा हूं, जिला कलेक्ट्रेट के बाहर की तस्वीरें दिखा रहा हूं। यहां पर आज 10वां दिन है गोचर और औरण जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए पिछले 10 दिनों से धरना चल रहा है और लगातार यहाँ बैठे कार्यकर्ता प्रशासन को विभिन्न नेताओं और राज्यपाल के नाम के सभी के नाम के हमेशा ज्ञापन भी दिए जा रहे हैं। तो आज 10वां दिन है इस धरने का। तो अभी मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, धरना स्थल की तस्वीरें हैं। करीबन 80 से 85 वर्ष के बासा अभी यहाँ पर विराजमान है। औरण गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए यहाँ विराजे आज धरने पर आए हैं। पूरे धरने पर पिछले 5 दिन से ये लीलसर निवासी है महिला, क्या नाम है आपका? कल्लू देवी जी यहाँ विराजमान है। बासा आपका नाम क्या है? गैमरा राम जी है जो धरना स्थल पर बैठे है। करीबन 80 से 85 वर्ष के है। ये धरना स्थल की तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको मैं। एक बार शेयर कर दो साथियों इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये पोस्ट अधिकारियों तक नेताओं तक पहुँचे और उस जमीन गोचर और औरण जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवावे। अपन बात भी हमारा धरने का 10वां दिन है। हमारी मुख्य मांग है संपूर्ण बाड़मेर जिले में औरण गोचर नदी नाड़ा तालाब और सरकारी प्रयोजनार्थ की जितनी भी सरकारी भूमि है उसको अतिक्रमण से मुक्त करवाना। हमारे यहाँ जितने जो आगोर है जिसमें लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था, उस आगोर की वजह से नाडी के अंदर कोई जगह पानी नहीं आता है। औरण था जिनके अंदर जितने पेड़ थे उनके पहले से, हमारे जो पूर्वज थे वो जो औरण के अंदर जो लकड़ी होती थी उसको काटते नहीं थे, उनको घर में जलाते तक नहीं थे। आज लोगों ने उसके ऊपर कब्जा कर दिया है, उसके अंदर काश्त की जा रही है, लोगों ने उसमें पक्के और कच्चे घर बना रखे हैं और उनको पूरा नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। और बाड़मेर ज़िले के अंदर कई कंपनियाँ हैं जिन्होंने भी गोचर ज़मीन के ऊपर कब्जा कर दिया है और वहाँ भी उन्होंने एक अवैध खनन करना प्रारंभ कर दिया है, उसको लेकर के हम एक धरने के ऊपर बैठे हैं। सर ये अधिकारियों की बहुत बड़ी गलती है, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे औरण और गोचर जमीन के अंदर जो आवास था, अगर इनके लिए जब आवास आए हुए थे तो सरकार के सामने ये बात रखनी थी, इसका मास्टर प्लान बनाना चाहिए था सरकार को। यहाँ के जितने जनप्रतिनिधि थे जो चुने हुए थे उनको विधानसभा और लोकसभा तक इसका मुद्दा उठाना चाहिए था और उसके बाद में इसका एक मास्टर प्लान तैयार करके उनकी कॉलोनियाँ काटनी चाहिए। भाई सरकार की जहाँ पर गैरमुमकिन कहीं पर मगरा है तो गैरमुमकिन कोई भी जगह सरकारी ज़मीन दूसरी पड़ी है, कोई भी पड़त ज़मीन है, तो वहाँ जाकर के इनको एक आवंटन करना चाहिए था आबादी भूमि में और उसके बाद में इनको आवास निर्माण करवाना चाहिए था। अब जो औरण और गोचर ज़मीन के अंदर जो इन्होंने आवास दिया है वो तो आज आवास अगर उनके पास में ज़मीन में जितने अतिक्रमण हटाए जाते हैं तो ये सरकार के जितने अधिकारी है उन अधिकारियों से वसूली करनी चाहिए, क्योंकि उनकी ये भ्रष्टाचार की खुली परतें खुल रही है और उनकी लापरवाही की वजह से ये अतिक्रमण बढ़ा है। और जितने मैं तो मानता हूँ कि जितने अतिक्रमण नए बढ़ रहे हैं या पुराने जो अतिक्रमण हुए हैं वो राजस्व के विभाग के जो अधिकारी थे जैसे पटवारी है, आरआई है, तहसीलदार है, तो उन लोगों के खिलाफ उनके वेतन से कटौती होनी चाहिए। जो अतिक्रमण हटाने की जितनी प्रोसेसिंग होती है उनके वेतन से कटौती हो। किस अधिकारी के कार्यकाल में यह अतिक्रमण हुआ है? क्योंकि उनकी लापरवाही से। और राजस्व विभाग के अंदर उनको सरकारी ज़मीन है, उनको सुरक्षित करने के लिए उनको वेतन मिलता है, बाकी उनका काम क्या है? सब ये चीज़ों के अंदर लापरवाही जब तक हमारे पास में क्रिएट नहीं होगा, जनता जब तक नहीं जागेगी, जनता को ये पता नहीं चलेगा कि हमारे अधिकार क्या है, जब तक हमारे अधिकारों को हम फॉलो नहीं करेंगे तब तक ये भ्रष्ट अधिकारी है। ये लोगों को भूमाफियों के साथ में मिलकर के सरकारी ज़मीनों और गोचर को ये ख़त्म करवाएंगे। तो देखो लाइट और पानी के कनेक्शन ये मूलभूत सुविधाएं है किसी भी आदमी का। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की बात करें तो यहाँ से प्राणी मात्र से यहाँ तक की चींटी है उसको भी जीने का अधिकार है, कोई भी जैसे तितली होती है उसको भी जीने का अधिकार है। तो मानव को उनको मूलभूत सुविधा, उसको शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते, उसको पानी से वंचित नहीं कर सकते। जैसे हम यहाँ धरने पर बैठे, हम अस्थायी धरना है, कितने दिन चलेगा अनिश्चितकालीन है उसका कोई पता नहीं है, लेकिन हमने आज यहाँ का भी हमने विद्युत कनेक्शन लिया है। लेकिन कनेक्शन लेना, लाइट देना, ये उनका एक अधिकार है मूलभूत सुविधाओं में। लेकिन मूलभूत सुविधा में उनके बाद में उन्होंने किस जगह पे बैठे हैं, उनको NOC जारी किया था वो अस्थायी किया या स्थायी किया है? जिसने अस्थायी के स्थायी के NOC दिया है तो वो हस्ताक्षर करने वाले, NOC जारी करने वाले वो दोषी है। ठीक है, धन्यवाद। ये थे भगवान सिंह जी लाभराऊ। और है
तो घरे टाबर आबर थोनो पोरा को नहीं थे अब घरे जाऊंगा हां मरे बंग लारे टाबर मरता ने ला जावे को तो थोनो एक कितना दिन हुआ है माने 10 दिन उगे हमें तो एक कितना दिन बैठा रहो मैं जब तक मारो धरनो है मारी गौसर खाली नहीं हुई कहोगे कहोगे जब तक मैं अठे धरनो है मारो हां हां घरे कौन जाओ नहीं जाऊं घरे जाऊं ही नहीं कयो गांव थारो मारो लील सर गांव है नाम की है थारो कल्लू देवी कल्लू देवी क्या के मेरा एक ही लड़का है भी हूँ धरने माथे पर बैठी हूँ मारा लड़का मेरे घर वाते है गया है गायों पावन वाते है भी लड़के माते लुगाई गबलो कर पर मुकदमो बिना पर बैगी गाँव क्या करे हो ये गौसर बचा नहीं ये लुगाई ओलो बिना पर मुकदमो बना दी की काम क्या गौसर खाली करा तेरी माता का मेरे गुंडो लगा दी मार गाँव हो गए पूरे लोगों में गुंडो लगा दी गाँव हो गए धरने में क्यों बैठा और मार मुदो उठा उठो है मारे माँ नोटिस आया मारपीट नहीं करी पग भिड़ा कर माने यो करियो यो करियो मुकद में झूठू बना दी मुकदमा थाना दर्ज कराया सालान पेश कर दी नहीं है गवाही दे दी नहीं है सब बहन कर दी ना है मैं भी धरने बैठी हूँ मेरे घर तो आगे मारे घर तो पुगावे पैसा पानी पुगा टावरों की निंग राखे पासो मन ले जाए मन लावे आवे मेरी सेवा करे मेरी गायों की सेवा करे 30-40 गायों है बे भूख तेर मरे बोने भूचो नोके पानी पावे तू बिल चालू करे पासो ए तावे एड़ी अम्मा मुकदमा कर दी आते जाते माने गाँव रोक दी मुकदमा बना दी ना लुगई बेड़ी ऊपर इनके लुगई वाला मुकदमा बना दो ए हमें दे दे के आधार के ताया ए तब मार्ग मारे गाँव जानो मेरे घर जानो हारे को हमें घर भी है मरुकुड़ा है मेरा बस ना घूम जाऊं पैदल कल ऋण खत्म हो जाए तो मैं सबड़े पर बारे बारे को गए मैं हूं पैदल लेना ही बहुत सबड़ो पर पी कितना ऋण ऋण भी गौचर गन घर के बेस में आई भूमिका लार आई री गौचर एन लार ले पाए जाली कर दी नी गौचर के मैं की जाली के मैं फंस गयो देना हूं सबड़े में गात पिंजरो कर एन एत करसी विभाग में वन विभाग में पुगायो वन विभाग ने कुत्ते तोड़ लिनो हिरण नहीं कुत्ते तोड़ लेनो तेना पा गाड़ी आवे नहीं मेरे को डे तेना पैदल लाई पिंजरू बना एतकाल सफर कियो कर ची भी बन बाद ठीक हाँ वही हिरण को बच्चो बापड़ो मरे बुरे हालत कुत्ता 10 लारे पड़ गया बिना घेड़ में लियो तेना पा तो मरा ली हाँ।